मोबिलिटी देखिए ना, ध्यान से समझना। देखो अगला कॉन्सेप्ट मोबिलिटी देखिए, आप देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी का मतलब होता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लोइंग, लेकिन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी कहने का मतलब कि सपोज एक मैंने मान लिया कोई कंडक्टर ले लिया, दिस इज कंडक्टर। अब ये कंडक्टर में क्या करना, मैंने इमेजिनरी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और जब इमेजिनरी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हूँ तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस डायरेक्शन। यानी कि हमको पता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का इंसाइड कंडक्टर पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, यानी कि इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोसेस फ्लो होगा, उसी को करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अर्थात लिखेंगे क्या करंट डेंसिटी का बात, इट इज डिफाइंड एज द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिफाइंड एज फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी कि इस कंडक्टर के इस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, कहने का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोसेस फ्लो होगा, इस कंडक्टर के एरिया से जितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोसेस फ्लो होगा पर यूनिट एरिया, उसी को करंट डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोसेस फ्लो होगा, उसी को करंट डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। और करंट डेंसिटी बराबर होता है जे बराबर आई बटा ए, जहाँ जे यानी कि करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आई जो है वो पासिस थ्रू यानी फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक करंट गया, जितना इलेक्ट्रिक करंट जाएगा इस एरिया से, ठीक है, वही कहलाया करंट डेंसिटी। यानी कहने का मतलब इसे करंट डेंसिटी के नाम से जाना है, जे बाय करंट डेंसिटी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। पहला, इट इज डोनोटेड बाय इसको डोनोटेड किससे करते हैं, डोनोटेड किससे करेंगे, बड़ा जे, किससे करेंगे, बड़ा जे या फिर स्मॉल जे लिख सकते हो, दिस इज करंट डेंसिटी, ठीक है। आगे दूसरा, इसकी एस आई मात्रा क्या होगा, इट्स एस आई यूनिट, इसकी एस आई यूनिट क्या होगा, इसकी एस आई यूनिट निकाल सकते हो, निकालो ना। करंट का क्या होता है, एम्पियर, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं बोलो। इसकी सी जी एस मात्रा निकालना चाहते हो, इट्स सी जी एस यूनिट, इसकी सी जी एस यूनिट निकालना चाहते हो, क्या हो जाएगा, एम्पियर का हम लोग जानते हैं बायो, क्या होता है बायो, जानते हैं, और एम्पियर मीटर में जानते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो गया। चौथा, या एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज ए हेक्टर, एरो का साइन दिया ना, इट इज हेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी हेक्टर क्वांटिटी होती है, इस बात को याद रखें। आगे इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला होगा सर, डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी निकाल देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला इंच कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम इसमें कहें कि इस बेसिक जो बेसिक है इसमें कहीं एम्पियर है, अति मास है, मास है केजी, केजी वाला नहीं, तो केजी नहीं है, तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, और में जीरो हो जाएगी। अगर मैं लेंथ है एक सौ मीटर का होता मीटर है ना, लेकिन बट्टा में ऊपर जाए तो माइनस टू, एक माइनस टू होगा। अब बताओ इसमें टाइम है सेकेंड वाला नहीं, तो टाइम में तो तीन पॉइंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सर मारा। अब यहाँ पर क्या दिया एम्पियर, तो एम्पियर में क्या लिखते हैं हम लोग आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग आई लिखते हैं कि नहीं, तो इस तरह से इसकी बन जाएगी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द करंट डेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द करंट डेंसिटी, यही इसको यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी होती है, इस बात को बार बार याद रखना, रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, जिसके द्वारा क्या होती है उस कंडक्टर से फ्लो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, रोकता है, यानी ओपोज करता है। ओपोज का मतलब क्या होती है, रोकना, विरोध उत्पन्न करना। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि आगे बढ़ने नहीं देना। यानी कि बोल सकते हैं इट इज द दोज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच इज
which is open resistance बोल सकते हो आप flow of electric current through it, यानी कि इसके conductor से flowing electric current को रोकने का काम करता है resistance, उसी को बोलते हैं resistance, यानी कि resistance एक conductor का property वैसा है जो उसी conductor से flow electric current को रोकने का काम करता है, उसे resistance के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे इसका दूसरा डिफाइन क्या लिख सकते हो, क्योंकि ओम्स लॉ में पता है हम लोग को क्या होता है, उस लॉ में बी इक्वल टू आई आर बोलो होता है, और इस बी आई की यहां से आर का वैल्यू निकालना चाहिए तो बी बटा आई होगा कि बोलो। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अक्रॉस ठीक है इस पॉइंट के क्या होगा पोटेंशियल, नो पोटेंशियल डिफरेंस, और उस कंडक्टर में फ्लो इलेक्ट्रिक करंट की रेशियो क्या देगी, एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट रेजिस्टेंस देगी, हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू कि दिस डिफाइंड एज द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी कि एक कंडक्टर से फ्लो क्या इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई और उसी कंडक्टर के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, इट्स पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी है, कंडक्टर की, और उस कंडक्टर में फ्लो क्या विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उसकी रेशियो का, उसकी रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जहां आर क्या है कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, और बी क्या है कंडक्टर्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस है, और आई क्या है उस कंडक्टर से फ्लो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसके लिए ऑब्जेक्टिव क्लियर लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय बड़ा आर, इसे बड़ा आर से लिखते हैं किसको, रेजिस्टेंस को, इट इज एसआई यूनिट ओम, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है ओम, क्योंकि ओम्स लॉ ने दिए थे पहले से तुम लोगों को पता, जब ओम इसके एसआई यूनिट होता है, ओम को लिखते कैसे, तो ओम को हम लोग लिखते कैसे ध्यान से देख सकते हो, तो ओम को एक ग्रीक लेटर, एक ग्रीक लैंग्वेज की लेटर इज प्रेजेंटेड इस तरह से करते हैं, दिस इज ग्रीक लैंग्वेज, एक ग्रीक लेटर है यानी कि एक ग्रीक भाषा का है क्या है, एक अक्षर है जो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओम में ओम का मतलब ये होता है, यानी कि उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा यूनिट अगर रेसिस्टेंस में लिखनी है तो ओम, इसको ओम पढ़ेंगे और लिखेंगे ऐसे। ठीक है, इसकी अगर ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम लगाकर अगर रहता किया वोल्ट पर एम्पीयर, तो वोल्ट पर एम्पीयर मानेंगे कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पीयर, तो वोल्ट पर एम्पीयर हुआ कि नहीं, हो गया कि नहीं। इस तरह से अगर पूछता कि क्या इसकी सीजीएस मात्रक क्या होगा, सीजीएस यूनिट भी तो बोल सकते हैं ना, अगर इसकी बात करती है सीजीएस यूनिट की, किसकी, इसकी ना, इट्स सीजीएस यूनिट, अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात की जाती है तो क्या होगा, ओम ही होगा, क्या होगा, ओम ही, इसकी कोई भी सिस्टम बोल दे, यूनिट का कोई भी सिस्टम बोल दे, सबका सेम होता है, चाहे बोल दे सीजीएस एपीएस कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर अदर प्रैक्टिकल से देखना चाहते हो, इससे देखना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, इसकी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो सेकंड क्यूब, एम्पीयर का वाट होता है कि नहीं, तब वाट का क्या हो जाएगा, वाट को 20 लिखते हैं, बड़ा बी बी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, वाट एम्पीयर, तो या फिर इसकी जगह ना तो ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या होता है स्टैंड, स्टैंड वोल्ट लिखेंगे, वाट क्या होगा यहाँ पर, वाट होगा कि नहीं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसकी सीजीएस मात्रक लिख सकते हो। तो इसकी अदर एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पीयर, ठीक है, इसकी बेस यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पीयर स्क्वायर, कैसे, तो देखो निकालते हैं, ध्यान समझना कैसे होगा, देखना देखो कैसे निकाल देते हैं, बेस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की, तो मैंने बोला वोल्ट पर एम्पीयर होती है अदर में, होती है कि नहीं, अब वोल्ट बराबर क्या होती है बताओ, W बटा क्या चार्ज होती है कि नहीं, और पहले से एम्पीयर है कि नहीं, और W को वर्ग बोलते हैं, इसको लिखेंगे कि नहीं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो दिक्कत नहीं ना, अब यहाँ पर Q IT के बराबर होता है, I का मतलब एम्पीयर, ठीक है, और T का मतलब सेकंड हुआ कि नहीं बोलो, और A का मतलब एम्पीयर ही है, तो इस तरह से निकालेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर, और सेकंड नीचे भी और सेकंड नीचे भी है, तो सेकंड सेकंड से Q हो जाएगा कि नहीं, और एम्पीयर एम्पीयर स्क्वायर हुआ, दिस इज बेस यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस, क्या होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू एम्पीयर स्क्वायर, और इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम स्क्वायर फॉर्मूला, केजी है तो एल, मीटर है तो एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तीन सेकेंड नीचे में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, और एम्पीयर भी नीचे ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि इस तरह से बोल सकते हैं टाइम स्क्वायर फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस इज एम एल के पावर टू, टी के पावर माइनस थ्री, एंड ए के पावर माइनस टू, एंड दिस इज ए स्क्वायर क्वांटिटी या फिर टेंसर क्वांटिटी बोल सकते हो, जितने भी कॉन्स्टेंट चीज होती है
जितने भी फिजिक्स में कॉन्स्टेंट होती है चाहे तो बोल सकते हो केमिस्ट्री में एवरीथिंग कॉन्स्टेंट टर्म इज क्या टेंसर क्वांटिटी, यानी कि टेंसर क्वांटिटी इसे रखा गया क्योंकि इसका आइसिंग का टेंसर क्वांटिटी का मतलब होता है ना कि अलग अलग डायरेक्शन में इसकी अलग अलग मैग्नीट्यूड मिलना टेंसर क्वांटिटी कहलाता है। अगर टेंसर नहीं हो तो बोल सकते हो अस्कुलर क्वांटिटी, क्या बोल सकते हो अस्कुलर क्वांटिटी, यानी कि एक रेसिस्टेंस अस्कुलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और इसकी सीरियस यूनिट ये होगा, इस बात को याद रखना। आगे लिखते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स जो कि ध्यान से इसकी लिमिटेशन सुन लो क्या होती है, बताओ लो कुछ नहीं है तो वो तो ऊपर कुछ तो है लाओ तो बोलो कि वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए कंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, डिपेंड्स डिपेंड्स ऑफ फ्लोइंग टर्म्स फ्लोइंग टर्म्स या फिर फैक्टर्स, निम्नलिखित फैक्टर्स पर डिपेंड करती है रेसिस्टेंस, यानी कहेगा कि किसी भी कंडक्टर में जो उत्पन्न जो रेसिस्टेंस होगा द क्रिएट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, इन एनी कंडक्टिंग वायर, ठीक है, डिपेंड ऑन व्हिच, किस पर डिपेंड करेगा वो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि जो फ्लोइंग टर्म पर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्या पूछेगा क्वेश्चन में कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इस बात को याद रखना। तो ये चार बातों पर डिपेंड करता है, पहला कि डिपेंड्स ऑन depends on length of conductor, length of a conductor के length पर depend करता है, जितना लंबाई बढ़ा दो ना उसकी resistance कहीं हो जाएगी। दूसरा depends on cross section area of a conductor कंडक्टर, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तीसरा किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल किस किस प्रकार का नेचर में है उस पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, सबका मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है, इस बात को याद रखना। चौथा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसके बारे में देखते हैं, यानी कहने का मतलब है ना लिखेंगे कि the resistance of a conductor, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the length of conducting wire, the length of conductor या conducting wire, the length of a conducting wire बोल दो चाहे conductor बोल दो, ठीक है, that is का मतलब होता है कि R जो होगी directly proportional A होगी, यानी कि अगर length भी बढ़ा दी जाए conducting wire के, मान लो एक conducting wire इतना length है, ठीक है, जिसकी length supported कितनी है L, length कितनी है यहाँ से इसकी length L है, इसकी लेंथ L है, और इसकी मान लेते जब इसकी लेंथ L था तब इस कंडक्टिंग वायर की रेसिस्टेंस R था, लेकिन जब इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया, मैंने कर दिया L डैश, लेंथ का काट दिया, कम कर दो चाहे बढ़ा दो, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, तो जब बढ़ा या घटा देंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, तब इस कंडीशन में इस कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होगा वो R डैश होगा यानी बदल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर की लेंथ को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो उसकी रेसिस्टेंस भी घटाया जाए, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, यानी किस तरह से बोल सकते हैं द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, दैट इज आर प्रोपोर्शनल एल, कोई दिक्कत नहीं ना। इस कंडीशन में आप दूसरा क्या लिखना चाहेंगे, दूसरा लिखना चाहेंगे कि डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, इसमें क्या लिखेंगे कि द रेसिस्टेंस ऑफ
the resistance of a conductor, the resistance of a conductor is inversely proportional to the cross section area, to the cross section area of a conductor, एक कंडक्टर के ठीक है क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कौन उस रेसिस्टेंस में उत्पन्न उस और उस कंडक्टर में उत्पन्न रेसिस्टेंस की दैट इज हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं दैट इज में कि आर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर ठीक है यानी कहने का मतलब मैंने मान लिया एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है ना अगर मान लीजिए इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाती है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाती है तो रेसिस्टेंस अपने आप कट जाएगा कम जाएगा अगर रेसिस्टेंस इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम जाएगी तो रेसिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया की अर्थात बोलेंगे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a बोल सकते हैं ठीक है आगे आगे लिखते हैं तीसरा पहले तो लिखो कुछ देखो ध्यान से ले रहा रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉर्म फैक्टर्स यानी किस फैक्टर पर किसी भी कंडक्टर में जो फेरेज होगा रेसिस्टेंस वो किस पर डिपेंड करेगा ठीक है इस बात को ध्यान समझना यानी कहने का मतलब है कि जब किसी भी कंडक्टर में अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो गया है तो उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए उसका कुछ प्रॉपर्टी होती है उसे रोकता है उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं अर्थात रेसिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर के किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो देखेंगे तो सबसे पहले मैंने दो को भी देखा क्या दो को मैंने पिछले बार पहला देखा था क्या कि जो किसी भी कंडक्टर का ठीक है क्या होती है रेसिस्टेंस होती है उसकी उस कंडक्टर के लेंथ पर क्या करती है डिपेंड करती है यानी कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर यानी कि एल यानी कि जब लेंथ बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा ठीक है ना और जब लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा उस कंडक्टर का तो इस तरह से कह सकते हैं कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर ठीक है इसी तरह से दूसरा मैंने बताया था कि जो रेसिस्टेंस जो होते हैं कंडक्टर का उस रेसिस्टेंस सॉरी उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/ एरिया यानी कि एरिया को बढ़ाते हो तो तुम्हारा रेसिस्टेंस घट जाएगा और जब क्या करते हो अगर तुम एरिया को घटा दो तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा उल्टा है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल 1/ एरिया इस तरह से तीसरा आता है ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर यानी कि चेक चालक तार के पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है चालक पदार्थ के प्रकृति पर किस पर करता है यानी कहने का मतलब है कि किसी भी मटेरियल के कंडक्टर वाले कंडक्टर जो मटेरियल का हो उसकी नेचर पर डिपेंड करता है नेचर का मतलब है कि हमारे इस नेचर में अलग अलग कंडक्टर है डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है कंडक्टर होती है सब अलग अलग कंडक्टर है जैसे देख सकते हैं चांदी सोना एल्युमिनियम कॉपर आयरन बराबर सबका सब अलग अलग है जब अलग अलग सब कंडक्टर है अलग अलग मटेरियल है तो सबका अलग अलग रेसिस्टेंस होगा क्यों क्योंकि सभी मटेरियल्स में क्योंकि सभी मटेरियल सभी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अलग अलग होता है और अलग अलग होने के कारण इसकी रेसिस्टेंस भी अलग होता है व्हाइल कैन द रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आर आल्सो डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग मटेरियल्स का रेसिस्टेंस भी अलग अलग होता है जैसे मैंने मान लिया किसको एजी सिल्वर ठीक है गोल्ड एल्युमिनियम कॉपर आयरन रबर इसमें सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस रबर व्हाई क्यों इसलिए क्योंकि रबर ऐसा एक मटेरियल है नेचर में प्रेजेंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट के अपने से फ्लो होने ही नहीं देता अगर होने भी देगा बहुत कम देगा अगर नहीं भी अगर सोचो हम लोग को रेसिस्टेंस ही कहता है कि किसी भी मटेरियल का वर्क प्रॉपर्टी जो क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने में रोकता है रेसिस्ट करता है ओपोज करता है उसी को तो रेसिस्टेंस कहते हैं तो रबर तो अपने से बहने ही नहीं देगा रोकेगा ही ना और जब रोकेगा तो क्या सबसे ज्यादा इसी में क्रिएट होगा लेकिन यही क्या एजी जो है वो अपने में कुछ भी नहीं रोकता डायरेक्ट पार आर पार तुरंत हो जाएगा इसका कारण तो क्या है कि इसका जो रेसिस्टेंस होगा किसका सिल्वर का जीरो चांदी का जीरो मैंने बहुत कम होगा जीरो के करीब होगा ये नहीं कहोगे जीरो होगा होगा ऐसा नहीं बहुत करीब होगा ये नहीं कि मान के चलो शून्य नहीं होगा कुछ तो होगा तो यानी कहने का मतलब चांदी का जो रेसिस्टेंस होगा ठीक है वो सबसे कम होगा एज कम्पेयर टू सिल्वर से ठीक है और चांदी जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का इस बात को याद रखना चौथा कहता है ना कि जो
किसी भी कंडक्टर का क्या करेगा, जो रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा उस कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर आप किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी कंडक्टर आता है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस कम जाएगा। ऐसा कौन कौन है देखते हैं हम लोग। यानी कहने का मतलब है कि रेसिस्टर जो है कंडक्टर को डिपेंड करता है उस कंडक्टर के टेम्परेचर पर, यानी कि ऑन द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। यानी द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। यानी कहने का मतलब एक कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होती है उस कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग फोर किसके देखते हैं, मेटल्स या फिर अलॉयज, यानी कि धातु या फिर मिश्र धातु जो मिलाकर बनाया जाता है, उसके लिए अगर हम लोग बात की जाए उसे ऐसा कंडक्टर्स लेते हैं जो धातु या फिर मिश्र धातु हो। अगर इसके लिए बात की जाए तो अगर क्या करते हैं, अगर मैंने कोई मेटल कंडक्टर ले लिया और उस मेटल कंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो उस कंडक्टर की रेसिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है किसके लिए, ओनली फॉर मेटल्स या अलॉयज के लिए, अलॉय के लिए। यानी कहने का मतलब है कि जब मेटल कंडक्टर या अलॉय कंडक्टर की टेम्परेचर को बढ़ा दी जाती है तो उसकी रेसिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी। ये सब एक्सपेरिमेंट देखा गया, प्रैक्टिकल देखा गया, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि क्या होगी कि फोर द रेसिस्टेंस, लिख सकते हैं द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल्स या फिर अलॉयज कंडक्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। अगर चांदी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो चांदी का टेम्परेचर तुम क्या करते हो, बढ़ा देते हो। किसका, चांदी का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो अपने आप इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि चांदी हो सकता है तो गल जाएगा, और गल जाएगा तो इसको फ्लो होने नहीं देगा। किसका नहीं होने देगा, इलेक्ट्रिक करंट का। गल जाएगा चांदी अगर मान लो इसी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गया, अब गल जाएगा तार जाएगा, तार से जाएगा करंट नहीं जाएगा, और जब करंट ही नहीं जाएगा तो लगभग रेसिस्टेंस हो गया। बात को समझ आना, रेसिस्टेंस का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट को विरोध करना, मतलब जाने नहीं देना, प्रतिरोध का मतलब इसे हिंदी में रेसिस्टेंस का प्रतिरोध, रोधक उत्पन्न करना। यानी जिसका टेम्परेचर जितना बढ़ाओ मीटर्स के लिए, चाहे सब किलोमीटर्स हो, उसकी रेसिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। किसके लिए, मीटर्स के लिए। तो क्या एजी मीटर नहीं है, मीटर है, और जब मीटर है जिसकी इसकी टेम्परेचर बढ़ा लेंगे तो रेसिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या कि फोर मीटर्स के लिए जो टेम्परेचर अगर बढ़ाए थे, फोर मीटर्स कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी रेसिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि द रेसिस्टेंस फॉर मेटल्स कंडक्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर्स। यानी कंडक्टर की टेंपरेचर बढ़ा दो मेटल्स का तो उसकी रेसिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए किसके लिए, सेमी कंडक्टर्स के लिए, तो सेमी कंडक्टर्स हो या फिर कंडक्टर्स हो, तो सेमी कंडक्टर्स में भी क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं। जैसे हो गया जर्मेनियम एक मेटल्स है ना, अब जब ये मेटल्स है और सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन जर्मेनियम इस तरह से ग्रेफाइट, तुम लोग पढ़ा भी होगा 8 क्लास या फिर 10 क्लास में है कि ग्रेफाइट भी क्या करती है, इस तरह से तुम यहाँ ग्रेफाइट भी लिख सकते हो। ये सब सिलिकॉन है, सॉरी सब क्या है, सेमी कंडक्टर है। तो सेमी कंडक्टर का मतलब तुम सोचो क्या, कि सेमी कंडक्टर का मतलब होता है कि धारा का स्वतंत्र देखा, मतलब पूरा तो नहीं हुआ, पार्शियली हुआ। जब पार्शियली हुआ इसका मतलब कि रेसिस्टेंस क्रिएट किया होगा। हम बोल रहे हैं कि फॉर अगर सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए, किसकी कंडक्टर्स की बात की जाए, सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए, उसकी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो क्या उसकी रेसिस्टेंस घटेगा क्या बढ़ेगा। तो देखो क्या होती है, अगर हमने क्या किया, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। कौन सी कंडक्टर, पहले ही मैंने लिख दिया था सेमीकंडक्टर के लिए लिखता हूं। जब क्या करते हैं, कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो देन तो क्या होती है, उसकी रेसिस्टेंस कम जाती है। किसके लिए, रेसिस्टेंस किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। देन decrease of that conductor, मैंने क्या किया, जर्मेनियम को ले लिया, क्या ले लिया, जर्मेनियम, इसकी मैंने टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया। टेम्परेचर क्या किया मैंने, बढ़ा दिया, इसकी टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, डिग्री सेल्सियस कुछ भी बोलो, इसकी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज यानी घट जाएगा।
इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो होगा रेसिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर के यहाँ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस घट रहा है, टेम्परेचर घटने से रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। समझा रहा बात को? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना जो रेसिस्टेंस होगा उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बताएं इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान सेकंड मान ली। अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट नाउ। ठीक है हम लोग अब क्या पाते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ए, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आर जो होगा वो डायरेक्टली भी होगा ए का और इनवर्सली होगा ए का। साथ में लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं इसे। और जब मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो कोई तो कांस्टेंट आएगा आएगा नहीं, मान लो जो कांस्टेंट जो आया वो रेसिस्टिविटी आया, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इस तरह से यहां एल बटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से हम निकालना चाहे क्या लिख सकते हो, चूंकि रो इज द रेसिस्टिविटी या बोल सकते हो स्पेसिफिक इसका मतलब है क्या कि मैं रो क्या होती है, तो लिख सकते हो रो बराबर यानी कि डिफाइन किसका लिख सकते हम लोग, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी क्या होती है, तो क्या होती है देख सकते हो ध्यान से, कि भी किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस और उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रोडक्ट वन बटे लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, यानी कि किसी भी कंडक्टर के जो क्या होगी रेसिस्टेंस होगी और उस कंडक्टर की जो एरिया होगी वो दोनों को गुणा करेंगे और वो जो रेसिस्टिव कंडक्टर जो उसकी लेंथ कितना होगा उसे डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, रेसिस्टिविटी मिल जाएगा या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, इट इज डिफाइंड एज the product of resistance of a conductor ठीक है, of a conductor and its cross section area per unit length of that conductor's is called resistivity हो जाएगा कि नहीं, अर्थात दैट इज रेसिस्टिविटी बराबर हम लिख सकते हैं हम लोग रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल लिख सकते हैं, बोलो वेयर जहां यहां पर रो क्या है, इज द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर ठीक है, एंड आर क्या है, Resistance of conductor. क्या चीज बताओ तो, ये क्या है? Cross section of a conductor. हलवा तो है फिजिक्स में. Is the cross section area of a conductor. कितना बेटा करेंगे सब कंडक्टर है. ठीक है. And L क्या है? Is the length of conductor. कितना लिखे उतारो ऐसे लगेगा ना आगे, इसका ऐसा मात्रा क्या होगा,
कैसे हो मीटर समझ में आया? मीटर कैसे मिला? हां मीटर स्क्वायर है नीचे मीटर एल इसका होता है ओम इसका मीटर स्क्वायर इसका मीटर खिड़कियां बंद करके ले और दे खिड़कियां बंद कर देते ओम मीटर समझ आया? इसको इधर ओम मीटर लिख देते हैं और लिख करते हैं ओम मीटर सॉन्ग लिखेंगे ऐसे 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 ना और इसका एक सीजीएस मात्रा लिख सकते हो कोई सिग्नल आया था कि ओम ये कैसा यूनिट है जिसका सारा यूनिट सिस्टम एक ही होता है ओम है यानी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर समझ आ रहा है ना? आगे आगे क्या लिखता हूँ इसके आधार पर क्या लिखता हूँ इस बेस्ट यूनिट ये जिसकी बेस्ट यूनिट क्या होगी तोड़ फोड़ के जिससे डायमेंशन निकालेंगे तो पहले बताओ ओम का क्या होता था एक ओम बराबर कितना होता था बताओ हाँ लिख सकते हैं 1 kg मीटर था मीटर स्क्वायर था कौन कहता था मीटर स्क्वायर क्यूब मीटर केजी बोलो निकालते हैं आज का क्या होता है तुम बताओ बी बटा आई होता है देखो बी का वैल्यू कितना होता है डब्ल्यू बटा क्यू होता है आई होता है केजी को इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको लिखेंगे आई टी यहाँ पर आई केजी हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और इसको लिखेंगे आई आई के मीटर स्क्वायर हो गया आज बता टी का सेकंड लिखेंगे ये भी हो जाएगा सेकंड क्यू है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के पावर पर सेकंड क्यू एम्पीयर स्क्वायर होगा बोलो अब यहाँ पर एक मीटर आते हैं हम मीटर से गुणा कर देंगे तो क्यू हो जाएगा समझ आया कुछ इस तरह से लिख सकते हैं केजी मीटर क्यू यहाँ पर सेकंड क्यू एम्पीयर स्क्वायर दिक्कत है ना तो इसको मिला रहे हैं प्लस का लोग याद नहीं आता है तो फर्स्ट इसी का लिख दूंगा डायमेंशनल इटी जे अस्कलर या भी मॉ बोल दो अस्कलर या भी टेंसर अस्कलर क्वांटिटी बिंदु अस्कलर या भी मॉडल टेंसर रहेगा तो ठीक है ना रहेगा तो छोड़ देना टेंसर क्वांटिटी हो जाएगा चलो आगे इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इस डायमेंशनल फॉर्मूला इज इसको एम लिख दें एम एल टी एन के पावर 3 के पावर 3 डी के पावर माइनस 3 ए के पावर माइनस 2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला दिक्कत नहीं आगे इसको बना लो आपका तो रेसिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता थोड़ा सा लिखता हूं नोट में करके पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ऐसा ठीक है ना देखो the resistivity of a conductor depends depends on nature of material of a conductor nature of materials of conductor and temperature एंड ठीक है चलो यहाँ पर इतना नोट्स करो।